अब्राम का दगड़ी पिता परमेश्वर की वाचा। बाड़ौन का बहुत साल बाद दुनिया में बहुत सा लोग रौंद छा और ऊल फिर दुबारा और एक हैका का विरुद्ध में पाप कैर, किले कि ऊ एक ही भाषा ते बोलद छा। इले ऊ कठवेन और अपड़ो ही नगर बना लगिन। जन पिता परमेश्वर आज्ञा दी छे वी आज्ञा का अनुसार ऊ दुनिया में नि फैलिन। ऊ बहुत घमंडी छा और ऊ ते कन जीवन जीण चाणु च। ये बार मा ऊ पिता परमेश्वर की आज्ञा को पालन निकन चांद छा। इक तक कि ऊल एक मीनार बनाण सुर कैरी जो स्वर्ग तक पहुँचल। पिता परमेश्वर देखी कि जो ऊ दगड़ी मिल के बुरा काम करना राला तो ऊ बहुत पाप और बुरा काम होते करना राला। इले पिता परमेश्वर ऊ की भाषा ते बहुत सी अलग अलग भाषाओं में बदल दीन और ऊ लुकू ते दुनिया में फैले दीन। जय नगर ते ऊल बनाण शुरू कैरी वे को बाबेल बोल दिन, जाँ को मतलब छ गड़बड़ी। कई सालों के बाद पिता परमेश्वर अब्राम नौ का एक आदिम बटी बात कैरी। पिता परमेश्वर वे बटी बोली, अपना परिवार और देश ते छोड़ी के वे देश जना चल जा, जय ते मितवे ते दिखौल, मितवे ते आशीष दियोलू और त्वे से एक बड़ी जाति बनोलू, मितेर नौ ते महिमा दियोलू, जुत्वे ते आशीष दयालू, मिवे ते आशीष दियोलू और जुत्वे ते श्राप दयालू, वे ते मी श्राप दियोलू, तेरे कारण दुनिया का हर कुल आशीष पाला। तब अब्राहमल पिता परमेश्वर की आज्ञा मानी, वे लपड़ी जनन सारे ते लेके अपड़ा सभी नौकरों और अपड़ी सारी संपत्ति समेत और ऊ कनान देशों को चल गिन जो पिता परमेश्वर ऊँते दिखे छो। जब अब्राम कनान पहुंची तो पिता परमेश्वर ऊँ बेटी बोली, अपड़ा चौ तरफ देख, मितवे ते युसेरा देश दियोलू और तेरा वंशज हमेशा यहाँ पर अधिकार रखला। तब अब्राम वे देश में चल गए। मलिकी सिदिक नौ को एक आदिम छो जो पिता परमेश्वर को याजक छो। एक दिन जब अब्राहम लड़े कना का बाद आणु छो तो मलिकी सिदिकल वे बेटी मिली। मलिकी सिदिकल अब्राहम ते आशीष दीन और बोली, सबसे बड़ पिता परमेश्वर जो स्वर्ग और धरती को मालिक च, उत्वे ते आशीष दियो। तब अब्राहम लड़े मजीती चीजों को दसमांस मलिकी सिदिक ते दीन। बहुत साल बीत गिन पर अभी भी अब्राहम और सारे की कोई संतान निवेच है। पिता परमेश्वर अब्राम बेटी बात कैरी और तब वे बेटी वाद कैरी कि तेरो एक नौन होलू और जन आसमान मा गैण छन उन्नी ही वे कभी बहुत वंशज होला। अब्रामल पिता परमेश्वर का वाद पर विश्वास कैरी। पिता परमेश्वर बते कि अब्राम एक धर्मी आदिम छो, किले कि वेल परमेश्वर का वाद पर विश्वास कैर। तब पिता परमेश्वर अब्राम बेटी वाच बांधी। पिता परमेश्वर अब्राम बेटी युवादक तब कैर छो जब अब्राम निंदमा सीयू छो, पर ऊ तब भी पिता परमेश्वर ते सुन सको छो। पिता परमेश्वर बोली, मितवे ते एक तेरो अपड़ नौन दियोलू, मि तेरा वंशजों ते युकनान देश दियोल, पर अभी भी अब्राम की कोई संतान नहीं छे। उत्पत्ति अध्याय 11 से 15 बटी बाइबल की एक कथा।